गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखिए, हमारी विलेज लाइफ आज कितना कोहरा है। कोहरा तो रोज पड़ रहा है। हाँ जी, सर्दी बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स देखिए, पूरा बादल छाए आसमान में और कोहरा कोहरा चारों तरफ, कड़ाके की सर्दी, बर्फीली हवाएं। दो दिन से बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है। और अलाव ताप रहे होंगे चूल्हे पर। हाँ जी, हमारी तरह देखिए, आरती बच्चे के आलू बना रही है और माता जी को भी लगा लिया है आलू छिलवाने में। एक ही बैठ जाता, काम कराने में माहिर है। देखो, अकेले नहीं दिया जाता कोई भी काम। लेटी अच्छा को काम है। अब कितने कैंडिडेट हमारे घर पे पता है? हाँ, ये आलू छिल गए इधर, ये छिलने के लिए आलू तो है, 4-5 केजी है ना। 4-5 केजी नहीं है, 2 केजी तो हो गए। 2 केजी ज्यादा हो गए, 3-4 केजी तो हो गए। वो है ना, आलू दाल बन रही है गैस पे। और मुझे नहीं लगता कि मट्ठे के आलू ज्यादातर लोगों ने खाए होंगे। बहुत कम लोगों मट्ठे के आलू खाता है। तो बनाती भी तो कभी हूँ, तुम लोग कब खाता था? और मैं भी नहीं खाता था, अब खाने लगा हूँ। अब तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो इन्हें बहुत पसंद आता है। अब 2-3 दिन से प्लानिंग चल रही है कि मट्ठे के आलू बनाओ। घर पे मट्ठा है ही, बनाओ 2-4 बार। आरती ने नहीं बनाया, आज बनाना शुरू किया है। क्या पढ़ रहे हो बच्चों, ये बताओ क्या पढ़ रहे हो? अभी तो ऐसे भैया बता रहे थे कि हमको कितनी देर पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अच्छा, फ्रंट से इधर दादाजी चाय पी के अंदर ही लेटे। बाबा आज धूप ना निकल रही 2 दिन से। हाँ, चाय तो पी ली आपने? सही है, मुंह ढक के सोते हैं दादाजी। सचिन है ना वो? सचिन है, संदीप है, पढ़ा रहा है हर्षित यशिका को। हाँ चलो, लेटे रहो आराम से, खाना बन जाएगा तो यही खाना दे देंगे, ठीक है? हाँ लेट जाओ आराम से, सर्दी ज्यादा है फ्रेंड्स। दादाजी का बचाना बहुत जरूरी है, क्यों सर्दी बुजुर्गों के लिए काफी कष्टदायक होती है, बच्चों के लिए और जवानों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश यहीं आ जाता है घर पे ही। आरती एंजॉय कर रही है कुल्लू मनाली का, हिमाचल प्रदेश का। और बाहर देखिए फ्रेंड्स कितना कोहरा है, सारे जानवर हमारे चारा खा के खड़े आराम से जुगाली कर रहे हैं, देखिए मस्ती से। ये जल्दबाजी में भोजन पेट में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको जुगाली कर कर के पचाते हैं। भाई राम राम, सर्दी है बहुत बाहर, अंदर ही रहो रजाई में। नमस्ते बेटा, राधे राधे। बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी। हाँ बहुत ज्यादा सर्दी है। देखो बाबा अंदर है रजाई में। देखो कितना कोहरा है, दिखाई नहीं दे रहा, 10-15 मीटर दूर का दिखाई नहीं दे रहा, इतना भारी कोहरा है। आरती की ननद लली कब आई? ठीक ठाक रही? अच्छा, आरती स्वागत कर रही है, हालचाल ले रही है कि नहीं? ले रही है, वही तो ध्यान रखता हूँ मैं बहनों का। अगर हमने इनके हालचाल ना लेती, अगर इनको प्यार से ना बोलती तो ये आती है हमारे पास। हाँ ये तो है, मेरे पास पूरे दिन कोई ना कोई आता ही रहता है। ये तो है, हाँ बिल्कुल बात सही है। अब ये तुम आरती समझदार है, सम्मान करती है सबका, आदर भाव देती है। कब आए थे? अब है गए 8-10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आज 10 तारीख है तो 10 ही दिन हो गए पूरे। अच्छा, चावल भी बनना है इसमें, चावल और क्या? अच्छा, मट्ठे के आलू, चावल,
रोटी या इसका कपड़े पहन लो बेटा, जाओ कपड़े नहीं पहने तुमने, जाओ 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 पीढ़ी ले आओ बैठने के लिए। यशिका आरती बन पाए तुम्हारे मिठाई आलू के नहीं बन पाए, मिठाई आलू बन पाए के नहीं? अब भैया हमारे फ्रेंड आएंगे, फ्रेंड है तुम्हारी ननद है ना, जब हमारे साथ हंसते रहे ना, खेलना खाना जब हमारे तब अच्छा चलो तो मिठाई आलू खिलाओ इन्हें, स्वागत तुम्हें और मोटी मोटी रोटी कच्ची पकी और फ्रेंड नहीं है बहुत, पूरे पूरे दिन कम से कम 5-5 घंटा लोग हम लोग साथ ही रहा करते थे छत पे अकेले, हम भी अकेले ही रहते, ये काम करके आ जाती है थी, हम भी अकेले ही रहती छत पे, आरती अकेली रहती थी, मैं एटा रहता था 1.5 साल एटा पढ़ता था, बीएड की तैयारी करता था, आराम से पूरा आरती थी अकेली, पूरे दिन लेटे रहते है गप्पे लड़ाते रहते है। चलो मजे है यार, ठीक है अलाव तापती जा रही है और खाना भी बनता जा रहा है, आईब्रो बनाना सिखाती हूं, तो समय लगेगा अभी आरती। हाँ, अच्छा कैसे होते हैं हमें भी दिखा दो मट्ठे के आलू, तड़का लगा के को दिखाओ, हम मैंने तो देखे तड़का लगा के उसमें मट्ठा डाल दो बस हो गए। अच्छा मैं तो ताऊ के पास गिर गया था ना बाहर, कैसे बनाए हैं मसाला वही सेम रहता है, मसाले सारे सेम ही रहते हैं, मट्ठा कब डाला है, डाल दिया पड़ गया, मम्मी पर्चा सही बता रही है प्रीति का, मेरे साथ रही थी। अच्छा ये बोलो खड़ो फ्रेंड नहीं है, ये हमारी बेटी है, छोटे देवर की लड़की है, ये फ्रेंड तो वे होती है जो रखता चलती है मम्मी बताए के गई है, हमारे चाचा की बेटी है, आरती के साथ ज्यादा रही है इसलिए आरती फ्रेंड बता रही है, और माता जी कह रही है कि नहीं ये कहो कि ननद है हमारी, फ्रेंड क्यों बता रही हो, फ्रेंड पहले मम्मी सही बता रही है, ननद तो पहली बार ही बता दे रहा है, और अरे मट्ठे के आलू पता है बढ़िया बनने लगे, शाम को का बन रहा है, कितने का बन रहा है अभी, हां बनने वाले बस, हां इसमें धनिया डाल दो अभी नहीं, और पटाखे आलू बन के रेडी हो गए, अब इसमें डाल देंगे बहुत सारे हरे धनिए, बहुत सारे हरे धनिए घर के है ना, अच्छा वहाँ के रहे होते बोल के तब तो थोड़े से पड़ते, हाँ। अपने किचन गार्डन के तो बहुत सारे पड़ेंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया, टेस्टी लग रही है सब्जी तुम्हारी, मजेदार मच्छे के आलू, 2-3 दिन से लगा था मैं आरती से बना लू जब जाके आज बनाए, बस रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि सर नहीं थे, ताऊ के पास चला गया था ना मैं बाहर, वो खड़े थे और उनको छोड़ के आना भी उचित तो नहीं था, कोई दिक्कत, और इधर यशिका खाने लगी, आप लोग भी खा लो, अच्छा यशिका कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, फ्रेंड्स कभी आप लोग भी बनाइए मट्ठे के आलू आरती की तरह और खाइए फिर बताइए कैसे लगे, इधर दूध पिला रही है लूसी सारे बच्चों को, कितने हैं पिल्ले, 4 हैं, चार पिल्ले, छूते नहीं रहने दो, जाने दो अंदर, सर्दी है ना बेटा, जाओ जाओ तुम भी जाओ बाहर, कुछ नहीं अंदर जाओ, अंदर कर दो इसको, हाँ अंदर, बस बस बस, और ढक दो सर्दी है, अंदर ही पिलाती रहेगी दूध, ढक दो बस बस, रहने दो रहने दो, ये डाल दो, ये पल्लिया डाल दो, वो वाला कपड़ा डालो, वो वाला वो, हाँ ए अरे सर्दी है भाभी, इनका ध्यान देना बहुत जरूरी है, भाभी कह रही कहीं नहीं मरे जा रहे, फिर भी बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते, और इन 4 बच्चों का ख्याल रखने के लिए खड़े हैं इधर 8 बच्चे, बच्चों की केयर बच्चे ही करते हैं देखो ये छोटे से लेकर बड़े सब तैयार है भाई, बच्चों की
भाई देख रहे हो छोटे बच्चे चार पिल्ले हैं और चार पिल्लों की हिफाजत के लिए 8-10 बच्चे खड़े तैयार। और फ्रेंड्स देखिए इधर बच्चे तो शर्मा रहे हैं, कुछ नहीं सुनाया, लेकिन ताऊ हमारे सुनाएंगे बच्चों को। ताऊ सुनाओ। एक नाव की 9 खोटी, एक चना की 16 रोटी, कपुखावे बच्चों को खिलावे और नाव को सोटा दिखलावे, सोटा दिखलावे। और नाव भागा गुलर खान, ये पकड़ लिया चीते ने कान, और छोड़ छोड़ मेरे जजमान, और अब नया हुआ गुलर खान। बढ़िया, ताली बजाओ बच्चों, ताली बजाओ। ये सीखा करो, बाबा जानते हो, देखो कितना जानते हैं। रामचंद्र दोनों भाई उन लंका पे करी चढ़ाई, वेघनाथ वहां पहुंचाया, उसने मारा शक्ति बाण, वे लगा लक्ष्मण के यान, और लक्ष्मण गिरे मूर्छा, लक्ष्मण को सुधराई न तन की, बात कही ना अपने मन की, लंका से एक वैद्य बुलाया, लक्ष्मण भैया को दिखलाया, वैद्य ने नारी देखी उसकी, वो दवा नहीं है मोह पर इसकी। हाँ, ये इसका पता आप बतलाओ, सज्जीवन पर्वत पे होई, जैसे जरे दिया की लोई, ठाड़े हनुमत करें विचार, वो सारी बूटी लई उखाड़। किस्सा खत्म। किस्सा खत्म, ठीक है, मजा आया कि नहीं आया ना? ये खुश हो रहा है बच्चे भाई, देखिए। नमस्ते, सुखी रहो, ठीक है, बढ़िया।